ठीक तो है इसमें शहरी जो हैं वो अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं। किसी भी सिटीज़न को अगर कहीं भी कोई ऐसी कंप्लेन नज़र आती है कि ये चिड़ियों वाला यहाँ पे घूम रहा है, तो वो फ़ौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म करता है, हमारी टीम फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जाके उन परिंदों को जो है वो वहाँ से रिकवर करते हैं और फिर वाइल्ड में उनको रिलीज़ किया जाता है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग हमें भी अभी कंप्लेन आती हैं फ़लाँ जगह पर एक कुत्ता ज़ख्मी है, एक बिल्ली ज़ख्मी है। सर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैं ख़ुद पर्सनली देखता हूँ कि पिंडी में, तो इस रावलपिंडी पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मैंने देखा है, सख्ती है वहाँ पर भी, लेकिन हमारे इस्लामाबाद जोन के अंदर ये चिड़िया जो होती हैं, आपको पता है उन्होंने पिंजरों में कैद करके रखी होती हैं काफ़ी सारे लोगों ने, ये बेसिकली आपको पता है कि वो पकड़ते हैं, पकड़ के फिर लोगों से पैसे लेके वो आज़ाद करते हैं, लोग सवाब की नीयत से करते हैं, लोगों की नीयत पर हम शक नहीं करते, लेकिन एक ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ क्या कह रही है? इस पर पिछले 3 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं और इसमें मैंने जो बात अभी बताई है कि तोतों को बचाने में जितना किरदार इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का होगा उससे ज़्यादा किरदार हर शहरी का होगा। तो इसमें शहरी जो हैं वो अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं। किसी भी सिटीज़न को अगर कहीं भी कोई ऐसी कंप्लेन नज़र आती है कि ये चिड़ियों वाला यहाँ पे घूम रहा है, तो वो फ़ौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म करता है, हमारी टीम फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जाके उन परिंदों को जो है वो वहाँ से रिकवर करते हैं और फिर वाइल्ड में उनको रिलीज़ किया जाता है। आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या कोई टाइम पीरियड होता है उस टाइम में? कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है जो रेस्क्यू के लिए वो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट उसमें मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अगर किसी को भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन होती है, कहीं पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कहीं रेस्क्यू की सर्विसेज की ज़रूरत है, तो इस हवाले से हम जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग हमें भी अभी कंप्लेन आती हैं फ़लाँ जगह पर एक कुत्ता ज़ख्मी है, एक बिल्ली ज़ख्मी है, तो कैट्स एंड डॉग के केसेस वाइल्ड लाइफ में नहीं आते, ये सब्जेक्ट सैनिटेशन का है, सीडीएस सैनिटेशन इसको फिर देखता है।